डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीतापुर पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने अखिलेश के 400 सीटें जीतने के दावे को मोगरीलाल के सपने करार दिया और कहा कि प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। केशव ने दावा किया कि इस बार भी भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतेगी। सर, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 2022 में 400 सीटें जीतेंगे, क्या कहना है इस पे आपको? इतना ही मेरा कहना है कि मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखने से किसी को धोखा नहीं जा सकता है। लेकिन 2014 का उनका बयान याद करिएगा, लोकसभा के लिए क्या दावा कर रहे थे, 2017 की जब विधानसभा थे तब वह क्या दावा कर रहे थे, और 2019 में तो प्रधानमंत्री पद की शपथ ही लेने जा रहे थे पूर्वमती जी मिलकर। लेकिन जनता का जो आशीर्वाद है भाजपा के साथ है और भाजपा के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के परिणाम स्वरूप आज हम यह पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद भाजपा को प्राप्त होगा। वहीं डेप्यूटी सीएम ने तालिबान के पक्ष में बयान देने वालों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो तालिबान की पैरवी कर रहे हैं वो अफगानिस्तान चले जाए। कोई भी सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का नेता हो या किसी संगठन से जुड़ा हुआ हो, अगर कोई तालिबान के समर्थन में बयान देता है तो उसकी मैं कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो रही है और जिसको तालिबानों से बहुत प्रेम है वो अफगानिस्तान जाए। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने अपनी योजनाओं में किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में अब किसी की हिम्मत 1.5 रुपए इधर उधर करने की नहीं है। अगर कोई कोशिश करता है तो उस भ्रष्टाचारी की जगह जेल में होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सीतापुर से मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।